एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कर्नाटका अनाउंसेस रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स इन पुलिस। बहुत ही अच्छी न्यूज है, काफी कुछ इसके बारे में जानने को होगा। अच्छे से देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे स्टेट पुलिस की, वहां पर क्या हिस्ट्री रही है, कर्नाटका स्टेट पुलिस करंटली वहां पर क्या चलता है, वहां कैसे पुलिस एस्टैब्लिश हुई, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो पुलिस में होंगे तो वो कौन है, तो इनके बारे में पूरा जानते हैं। देखो, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 1%, पहले तो यहीं पर ही इंपॉर्टेंट हो गया कि 1% रिजर्वेशन वो देंगे टू द ट्रांसजेंडर्स इन द पुलिस, राइट। अब इसके अंदर आपको इस न्यूज के रिलेटेड पूरे की पॉइंट्स देखते हैं, फिर उसके बाद कर्नाटका स्टेट पुलिस के बारे में जानेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जब जुडिशियल सिस्टम वहां पर एस्टैब्लिश हुआ तो वहां पर पुलिसिंग कैसी रही, और फिर जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस में इन इंडिया जो कर्नाटका में आए तो उनके बारे में, उनका नाम और सब कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो भी देख लेते हैं। फैक्ट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन जो है, जैसे आपको पता होगा वुमेन्स को भी रिजर्वेशन मिलती है इन द पुलिस डिपार्टमेंट, तो सिमिलरली रिजर्वेशन विल बी गिवन टू देम अक्रॉस ऑल द रैंक्स। जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट में रैंक्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट के बेसिकली जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में रैंक्स है, रिजर्वेशन जो ट्रांसजेंडर्स को भी दिया जाएगा, और ये ट्रांसजेंडर का एक परसेप्शन जो है टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर वो बदलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। जो अलग अलग जगह पर उन्हें सामने लेकर आना और उनका जो उनकी जो एक ग्रोथ आप बोल सकते हो वो बहुत आज के टाइम पे ज़रूरी हो जाती है, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कल को अगर आप कहीं पर अपने आंसर्स भी लिख रहे हो तो वहाँ पर आप ये मेंशन कर सकते हो। इट विल ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम, और जितने भी ऑलरेडी क्रिएटेड प्री कंसीव्ड हमारे माइंड में नोशंस होते हैं या जो प्रिजुडिसेस हैं उनको सोसाइटी से रिमूव करेगा, और एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना जाएगा। कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट जो है इट इज़ ऑल्सो रिक्रूटिंग मेन एंड वुमेन, जब उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है पुलिस डिपार्टमेंट में, दोनों को मेन और वुमेन को इक्वली रिक्रूट किया जाता है। देयर वाज रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस डिपार्टमेंट 3 to 4 decades back, मतलब आज से 3 to 4 decades back पहले पुलिस डिपार्टमेंट में वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दी जाती थी, बट नाउ द डिपार्टमेंट एम्स टू रीच 25% ऑफ वुमेन इन द पुलिस फोर्स। तो अब अगर करंटली बात करूं, आज के बात करूं, तो पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप एक देखो, एक डिपार्टमेंट मतलब ऐसा हो चुका है कि 25% पुलिस फोर्स जो है वो वुमेन्स की है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जब आप रिजर्वेशन देते हो और उसका आपको इफेक्ट दिखता है। तो सिमिलरली अगर ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन मिलेगी, डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ बूम एंड इट विल हेल्प टू रिमूव ऑल द प्रिजुडिसेस दैट वी हैव इन द सोसाइटी दैट आर स्टिल प्रिवेलिंग, राइट। तो इसी के साथ साथ अगर मैं कर्नाटका स्टेट पुलिस की बात करूं तो पुलिस जो है कर्नाटका में उनको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है इन डिफरेंट रीजन, सच एज धोती, तलवार, कतुबदी, उम्बलीधर, निरंगति एट्सेट्रा, ठीक है। तो जो फाउंडेशन है, जो करंट पुलिस की जो फाउंडेशन है कर्नाटका में, वो कब हुई? आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ जो उनके फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे, जनरल जो उनके ऑफ द पुलिस इन स्टेट, तो उनके बाद ये करंट पुलिस की पूरी फाउंडेशन इट वॉज सेटअप। हिस्ट्री बात करूं अगर कर्नाटका के स्टेट पुलिस की, जैसे कि आप जानते हो मैसूर जो स्टेट रहा है वो एक, जिसे 1st of November 1965 को क्रिएट किया गया, इट इज अ प्रीडिसेसर टू कर्नाटका स्टेट। वहां पर फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री एल रिकेट्स ही वाज अपॉइंटेड, एंड बिफोर दैट द स्टेट पुलिस हैड नो स्टेटस, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई पावर नहीं। उनके आने के बाद जो है चीज़ें जो है फिर वो स्ट्रीमलाइन होने लगी, और ड्यूरिंग 1883 जो मैंने आपको अलग अलग पुलिस जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बुलाए जाते हैं उनको, दे यूज टू डू पुलिसिंग, ठीक है। फिर डिफरेंट, अब जैसे वहां पर महाराजाज, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो महाराजाज मैसूर में उस टाइम पे थे, तो पुलिस अलग अलग वेरियंट्स के फॉर्म में उनके रूल के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। अब प्रॉपर जब जुडिशियल सिस्टम आएगा, जुडिशियल सिस्टम जब फंक्शनल हुआ उस स्टेट में 1856 में, तो जुडिशियल कमिश्नर अपॉइंट होंगे। जुडिशियल कमिश्नर को असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट बनाई गई जिसका पोस्ट का नाम था डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उन्हें अपॉइंट किया गया कि वो कमिश्नर को, जो जुडिशियल सिस्टम में जो जुडिशियल कमिश्नर है उनको असिस्ट करें 1873 में। तो यहाँ से चीज़ें फिर शुरू होने लग गई, एक स्ट्रीमलाइन होने लग गई। फिर उसी सेम पीरियड में अलग अलग पोस्ट क्रिएट होने लग गई, फर्स्ट क्लास इंस्पेक्टर, सेकंड क्लास इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल्स, कांस्टेबल्स, तो ऐसे करके जो हिस्ट्री है स्टेट पुलिस की कर्नाटका के अंदर वो बढ़ने लगी, राइट। तो फिर कर्नाटका ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ट्रांसजेंडर्स को भी पुलिस डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन देंगे, एंड के
प्रीतिका यशिनी, नाम इनका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन पुलिस ऑफिसर इन इंडिया एंड शी हैज बीन अपॉइंटेड एज सब इंस्पेक्टर इन तमिलनाडु। पूछ लिया जाए कि पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जो पुलिस ऑफिसर इंडिया के अंदर है और कहाँ पर उन्हें अपॉइंट किया गया है, तमिलनाडु में किया है और ये इनका नाम है। तो यहाँ पर विद बैकग्राउंड विद हिस्ट्री कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टिल देन थैंक यू एवरीवन।